यहाँ सबसे पहले मैंने चंद अदद आलू लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसको हम मैश कर लेंगे। यहाँ पे आलू मैश करने के बाद मैंने चंद स्पाइसेस लिए, इसमें ये चिल्ली फ्लेक्स है, दही बड़े का मसाला है, चाट मसाला है और नमक है। ये सब हम इसमें सब एक एक स्पून ही है, नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कमी बेशी के साथ। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया है जो मैं इसमें ऐड करूँगी और अब इस सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर एक अदद अंडा लिया है, इसको हम थोड़ा बीट कर लेंगे। थोड़ी ब्रेड क्रम ली, ब्रेड क्रम का चूरा है जो हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। और ये थोड़ी सी फिलिंग के लिए, मैंने यहाँ पर मेरे पास चिकन थी तो मैंने चिकन ले लिया। आप इसकी फिलिंग के लिए कोई भी चीज़ जो बची हुई हो, कीमा हो, वेजिटेबल्स हो, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। चीज़ अंडा भी ले सकते हैं जो आपका मनपसंद हो। बस इसको इस तरीके से करके यहाँ ये चिकन भरेंगे और इसको हम रोल की शक्ल में कर लेंगे। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इसको प्लेट में डालकर हम इसे ब्रेड क्रम में डालेंगे। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, फौरी फौरी तल भी सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये हमारी चिकन नरगिसी कबाब रेडी हो गई है। अब हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। ये ब्राउन हो गए और इसको मैंने सबको पलट दिया है। बस अब ये हमारे दूसरी तरफ से हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे और हमारे ये नरगिसी कबाब रेडी हो जाएंगे। देखिए, ये हमने सर्विंग ट्रे में निकाले। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है। चलें अब मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।